एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है इसको देखने के बाद आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये कि ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये याद दिला देती हूँ कि ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टैमेन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो स्टैमेन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया एंथर और ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब इसका क्रॉस सेक्शन करके आप देखते हैं, मैंने आपको पहले बोला आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोल सकते हैं और क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करके या क्रॉस सेक्शन करके देखा जाता है, ठीक है, तो वहां कैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसको क्रॉस सेक्शन करने के बाद। ठीक है, उसका शेप ऐसा था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उसका शेप कैसा था, ऐसा था, जिसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया था, टेट्रागोनल। क्या यूज किया गया था? टेट्रागोनल। ठीक है, और उसी में आपको एक बात समझाई गई थी कि चारों कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। तो चारों कॉर्नर्स पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर यहाँ पे कितना है, 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर यहाँ जूम करके बनाया हुआ है, इसी को यहाँ पे इलार्ज करके बनाया हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वहां पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद स्पेशली जो 4 लेयर्स दिखते हैं इसके अंदर, उनको क्या करना होता है, वहां पे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इसको जब आप बारी बारी से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, आउटलाइंस दिख रहे हैं, मतलब लेयर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लेयर्स दिख रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इन लेयर्स में फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है कि आपको लेयर्स के नाम इनर साइड टू आउटर साइड बताने हैं या फिर आउटर साइड टू इनर साइड बताने हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन नोटिस करना है कि क्या पूछा जा रहा है वहां पे। बट यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें आउटर साइड टू इनर साइड की, ठीक है, तो एक्सटर्नल जो फर्स्ट लेयर है, एक्सटर्नल क्या है, जो फर्स्ट लेयर है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस बहुत जगह सुना है आपने, जहां भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है हमेशा ये एक्सटर्नल लेयर होती है। ठीक है, यहां भी एपिडर्मिस क्या है, एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, इसके बाद एंडोथेशियम है। सेकेंड नंबर पे क्या है, एंडोथेशियम है। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे क्या है, मिडिल लेयर्स हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, मिडिल लेयर्स हैं। ठीक है, और लास्ट में जिसको सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, उसका रीजन मैं समझा रही हूं आपको, दैट इज टेपेटम। बट ये बात रही यहां पे, ये जो डिस्कशन है यहां मैं आपको क्या बता रही हूं, ये फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड है, आउटर साइड टू इनर साइड है। ठीक है, बट यही अगर आपको क्या पूछा जाएगा, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड बताना है, तो ये आपको वहां पे उल्टा लिखना होगा, या फिर अगर नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, इन सारे सीक्वेंसेस को बदल दिए जाते हैं वहां पे और उसको राइट सीक्वेंस में अरेंज करने को पूछा जाता है। ठीक है, तो तब क्या होगा, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, यानी जो सबसे अंदर का है, जो सबसे इनर है, ठीक है, दैट विल बी टेपेटम, वहां पे वो क्या हो जाएगा, टेपेटम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद की लेयर की बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर आ जाएंगे वहां पे, देन एंडोथेशियम एंड देन एपिडर्मिस। ठीक है,
ये चार लेयर्स रट गए होंगे आपको, इतनी बार मैंने अभी के अभी रिपीट कर दिया इनको, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये चारों लेयर्स क्या क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है। अब मैंने अभी अभी एक बात बोली आपको यहाँ पे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टैपेटम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टैपेटम है, ठीक है, क्योंकि टैपेटम जो है वो टच में होता है किसके, थोड़ा सा मैं आपको पिछली क्लास याद दिला देती हूँ। ये क्या है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, दैट इज माइक्रो स्पोरेंजियम। मैंने एक को मार्क किया है तो मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है यहाँ पे, अगर सबको एक साथ यहाँ पे आपको डिनोट करना है तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, कोई नई बात तो है नहीं है, ठीक है। सिंगुलर लिखा है मैंने यहाँ पे, जब प्लूरल की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के टच में क्या है, टैपेटम है। क्या है? टैपेटम है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके लिए एक टर्म या प्रोसेस या फेनोमेना आएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको वो समझ तब आएगा ना जब आप इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, पॉलिन ग्रेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन्स की जो बात हो रही है, तो पॉलिन ग्रेन्स के बाहर जो इसका एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगी क्योंकि एक लेक्चर पॉलिन ग्रेन के ऊपर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एक्सटर्नल लेयर है, आसान है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे दैट इज एक्साइम एंड द इंटरनल लेयर इज इंटाइम। इंटरनल लेयर इज इंटाइम एंड एक्सटर्नल लेयर इज एक्साइम, ठीक है। तो ये एक्साइम किसका बना होता है यहाँ पे, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जिसको मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, अब मैंने आपको बोला रेसिस्टेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इसका ये मतलब है कि यही रिस्पॉन्सिबल है पॉलिन ग्रेन्स को एडवर्स से एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है। तो ये टैपेटम क्या करता है, ये टैपेटम क्या करेगा, यही टैपेटम रिस्पॉन्सिबल है स्पोरोपोलिनिन को सिक्रीट करने के लिए। तो अब आपको बात समझ आ रही होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, मतलब टैपेटम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस को इस तरीके से फेर बदल करके पूछा जाता है कि अगर किसी एंथर के अंदर टैपेटम वेल फंक्शनिंग कंडीशंस में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, वहां पे विएबल या फंक्शनल पॉलिन ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ आ रही है, टैपेटम के बारे में अच्छी खासी बातें बता दी मैंने आपको। देन यहां देखिए, आउटर थ्री लेयर्स हैं जब हम एक्सटर्नल साइड से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, ठीक है। इन तीनों का काम प्रोटेक्शन का होता है। इनका काम किस चीज का होता है? प्रोटेक्ट करने का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब एक टर्म क्या है जो आपने डायग्राम में भी देखा होगा, एनसीईआरटी में जब ये रप्चर होता है तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, डेहिसेंस। क्या यूज किया गया है? डेहिसेंस ऑफ एंथर। वर्ड कौन सा यूज किया गया है? डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। डेहिसेंस मतलब रप्चर होना होता है, ठीक है। जब सारे प्रोसेस हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पॉलिन ग्रेन्स भी बन जाएंगे, तो काम क्या बचता है? पॉलिन ग्रेन्स का डिस्पर्सल। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एंथर को रप्चर होना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपकी अभी अभी आपको कौन सी बात बताई है कि ये जो तीन लेयर्स हैं, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इसको अब उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, तो यही तीन लेयर रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए हो जाएंगे? डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए, ठीक है।
जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेसेंस ऑफ एथर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये चारों ऑप्शन दिए हैं उसके सब ऑप्शन बनाए गए, वहां पे लिखा होगा ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, या फिर आपको लिखा होगा ए बी एंड सी, या फिर आपको लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास वहां पे, ए बी एंड सी, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे अगर आप माइन्यूटली देखना स्टार्ट करेंगे तो सब अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। एक लेबलिंग अभी रह रही है जो आपने अभी नहीं समझा है, दैट इज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव यहाँ क्या है, कनेक्टिव पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। कनेक्टिव क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, बट किसके साथ, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फिलामेंट के साथ। ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। एंथर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, दैट इज नोन एज कनेक्टिव। क्या टर्म दिया गया उसके लिए, कनेक्टिव, ठीक है। देन एक चीज रह गई है यहाँ पे, दैट इज पोरोजिनस टिश्यूज, पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज का मतलब ही है कि वहां पे एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यूज भी होमोजिनस सेल्स के एग्रीगेशन से बनते हैं, ठीक है। इसका आगे जाके रोल किसका, किसमें होगा, इसका आगे जाके रोल होगा पॉलिन ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए, पॉलिन ग्रेन्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।